ठीक है, राइज ऑफ अ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब या एसेंट फॉर्मूला, ये पक्का आएगा याद रखना। अगर आपको ये क्वेश्चन में आए कि एक ट्यूब लो, एक ट्यूब को किस में डाल दो, एक कंटेनर में डाल दो या वाटर में डाल दो, और वाटर ऊपर राइज करेगा, वो क्या हाइट राइज करेगा, एच की वैल्यू बताओ, ये क्वेश्चन है। पहला इस चीज़ का आंसर ढूंढते हैं कि राइज क्यों करेगा, अगेंस्ट ग्रेविटी भी कोई चीज़ गई है, कैपिलरी एक्शन तो क्यों होता है, सरफेस टेंशन से हुआ क्या, फोर्स डेवलप हो गई, खींच लिया कंटेनर ने, ठीक है, गलत तो नहीं है। ठीक है, इसको और इजी समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को फोर्स से समझा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं इसे प्रेशर से समझाऊंगा जो कि बिल्कुल भी वेक्टर नहीं है। एक मिनट में आंसर आ जाएगा, देखो कैसे। सबसे पहले आप एक कंटेनर लें, इसमें पतली कैपिलरी ट्यूब डाल दें, ठीक, ध्यान आ गए, कैपिलरी ट्यूब को डाल दिया। अब मेनिस्कस को ध्यान से देखें, ये डायग्राम ध्यान से देखें, जितना मैंने आपको अभी पढ़ाया वो सब यूज हो रहा है। कैसे, ये एक बड़ा, ये बड़ा लेवल है, मीन्स थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आपने एक चीज़ नोट की, जहाँ जहाँ ग्लास कंटेनर है वहाँ वहाँ पानी उठा हुआ है और बीच में फ्लैट है, ऐसे ही है। तो मेनिस्कस कैसा बनेगा, यहाँ से वाटर ऐसा है, फिर फ्लैट, फिर ऊपर उठ गया, फिर यहाँ पर भी ऐसे ही है, ये ऊपर उठ गया, ये फ्लैट है और ये ऊपर उठ गया, क्या स्टेप यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें। लेकिन ये ट्यूब पतली है, अब पतली में क्या होगा, ग्लास ही ग्लास है, पानी तो बहुत कम है, तो ग्लास पूरे पानी को खींच रहा है, तो मेनिस्कस ऐसा नहीं दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। अगर ग्लास है ही इतना सा, थोड़ा सा ग्लास है, हल्का पानी है, तो कंटेनर हर तरफ खींचे जा रहे हैं, तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर आपको लेवल ऑफ वाटर ऐसा दिखेगा, है तो एक ही बात, ऐसा थोड़ा फ्लैट होगा तो फ्लैट दिखेगा, थोड़ा पतली ट्यूब होगी तो ऐसा दिख जाएगा। अब दूसरा रिजल्ट हमने क्या किया, यहां पर अगर कोई पॉइंट है तो यहां पी एटमोस्फेयर है, इसके इमीडिएटली नीचे भी पी एटमोस्फेयर है, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, क्या है पॉइंट, यहां तक क्लियर है। सिमिलरली यहां पर भी पी एटमोस्फेयर, पी फ्लैट है ना, फ्लैट के अंदर जितने भी यहां पी एटमोस्फेयर है, एग्जैक्टली उसके नीचे भी पी एटमोस्फेयर ही है, उसी तरीके से ऊपर और नीचे सेम है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ये देखो लिक्विड पहले यहां तक था बस, जब आपने कैपिलरी डाली थी तो आपका वाटर यहां तक था, अब मैंने आपको आज सिखाया वाटर का मेनिस्कस तो ऐसा होता है कनकेव, तो ये क्या है पी एटमोस्फेयर, और ये क्या है पी एटमोस्फेयर माइनस 2T/R, क्योंकि नीचे का प्रेशर जो है वो कम है। आज रिजल्ट किया, सेम रिजल्ट है, नीचे का प्रेशर कम है, नीचे का प्रेशर कम है। अब देखो हुआ क्या, यहां का प्रेशर ज्यादा है, यहां का प्रेशर ज्यादा है, और इस पॉइंट का प्रेशर कम है, तो देयर इज अ प्रेशर का डिफरेंस, तो लिक्विड मूव फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर, तो देखो ना हायर से लोअर, हायर से लोअर, पानी ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। सारी गेम ऑफ मेनिस्कस है, एडहेसिव कोहेसिव फोर्सेस हैं, जिससे प्रेशर चेंज हुआ और जहां से प्रेशर डिफरेंस आया। अब लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड ऊपर 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 चढ़ता रहा और कितनी हाइट चढ़ गया, एच। अब एच हाइट पर क्या हुआ, यहां पर बी पॉइंट का प्रेशर बढ़ गया, पहले कितना था पी एटमोस्फेरिक माइनस 2T/R, अब बढ़ के कितना हो गया पी एटमोस्फेरिक माइनस 2T/R प्लस एच रो जी, और लेफ्ट साइड का प्रेशर क्या था पी एटमोस्फेयर, पहले ये इक्वेशन बैलेंस नहीं थी, तो लेफ्ट साइड का प्रेशर पी एटमोस्फेयर है और इस मेनिस्कस के नीचे पी एटमोस्फेयर माइनस 2T/R है, तो लिक्विड अपने हाइट को अटेन करेगा और यहां पर प्रेशर बना लेगा एच रो जी, ताकि लेफ्ट और राइट का प्रेशर एकदम सेम हो जाए, और जैसे ही सेम हुआ पानी ने ऊपर चढ़ना बंद कर दिया। पॉइंट क्लियर है, पानी ऊपर चढ़ना क्यों बंद करेगा, कि इक्वेशन सेटल हो गई, इक्विलिब्रियम आ गया लेफ्ट और राइट में एकदम सेटल, तो यहां और यहां का प्रेशर सेम हो गया और एच हाइट लिक्विड अटेन कर गया, तो पी एटमोस्फेरिक कैंसल, यहां से 2T/R एच रो जी क्रॉस मल्टीप्लाई करके एच की वैल्यू आ गई। फॉर्मूला आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये है, इसके अंदर भी कैपिटल आर रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, ये ट्यूब का रेडियस नहीं है, ये मेनिस्कस का रेडियस है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, यहां का प्रेशर मान लो 10 है, जब लिक्विड यहां पे था तो यहां का प्रेशर 8 था, अब 10 और 8 में 10 बड़ा 8 छोटा है, पानी मूव करता है 10 से 8, एच हाइट अटेन कर गया, एच हाइट अटेन करने से दो प्रेशर और बढ़ा गया, मान लो 2 यूनिट बढ़ गया, 8 प्लस 2 कितना 10, 10 और 10 बराबर अब मूव नहीं करेगा, तो एच हाइट उतनी ही बढ़ाएगा कि यहां और यहां का प्रेशर क्या हो जाए एग्जैक्टली सेम।
ट्यूब में कैपिलरी दिखती है, मोटी में दिखती नहीं है, फ्लैट हो जाता है सरफेस। तो देखो, तो यहाँ पे लिखना कैसे है, आपने लिखना है मान लो एक कैपिलरी है और इसको डिप कर दिया, कैपिटल आर जरूर लिखना है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, ट्यूब का बिल्कुल भी नहीं है, न्यूमेरिकल के अंदर ध्यान से पढ़ना है, ट्यूब का बिल्कुल भी रेडियस नहीं है और टी सरफेस टेंशन है, तो स्मॉल आर रेडियस ऑफ कैपिलरी है, यूज नहीं हो रही, अलग बात है, कैपिलरी ट्यूब है। नेक्स्ट है इनिशियल प्रेशर ए पॉइंट पर और सी पॉइंट पर कितना पी एटमोसफेयर है, और इनिशियली बी का प्रेशर क्या है, पी एटमोसफेयर -2T/R है। फिर क्या हुआ, देयर इज अ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी एंड सी एंड बी, एक ही बात है, ड्यू टू विच लिक्विड राइजेज इन अ ट्यूब एट अ हाइट ऑफ एच, राइज करेगी और जब हाइट एच अटेन हो जाएगी तो ए और बी का प्रेशर सेम हो जाएगा। तो ए का तो पी एटमोसफेयर है, बी का इतना बढ़ गया, इक्वेट किया, एच की वैल्यू आई, यहाँ तक नहीं रोकना, आपकी खत्म नहीं हुई, अब आगे भी चलेगी। इसके बाद आपने क्या करना है, अपने देखो ना, आप कैपिटल आर रेडियस ऑफ मेनिस्कस को निकाल नहीं पाएंगे, इमेजिनरी है, रेडियस ऑफ मेनिस्कस तो इमेजिनरी है, उसका रेडियस निकलेगा कैसे, और क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, लेकिन आप ट्यूब का रेडियस निकाल पाएंगे, ट्यूब आपके हाथ में है, तो आप अपने रिजल्ट को मेनिस्कस के रेडियस को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ ट्यूब का रेडियस। वो कैसे, ये ज्योमेट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखो ये ट्यूब है, ये मेनिस्कस है, इमेजिनरी स्फीयर बनाया, ये रेडियस किसका, कैपिटल आर मेनिस्कस का, और ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर, देख रहे हो, ट्यूब का रेडियस स्मॉल आर, सिलेंड्रिकल ट्यूब है, और मेनिस्कस का कैपिटल आर। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे बनता है, आप यहां से टेंजेंट ड्रॉ करो नीचे की तरफ, तो इसके साथ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। तो अगर ये थीटा, ये और ये 90 डिग्री पे हैं, आप चेक करो ये जो लाइन है और ये जो लाइन है 90 डिग्री पे है, तो अगर ये थीटा तो ये कितना 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा, टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा एंगल क्या होता है 90, तो अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये कितना थीटा, क्लियर है यहाँ तक, तो ये वैल्यू कितनी होगी थीटा। अब मुझे पता है कॉस थीटा क्या होगा, छोटा आर बाय बड़ा आर, तो कॉस थीटा की वैल्यू छोटा आर बाय बड़ा आर, वे छोटा आर ट्यूब का रेडियस है, बड़ा आर मेनिस्कस का रेडियस है, मेनिस्कस के रेडियस नहीं गिवन होते, ट्यूब के रेडियस से मेनिस्कस के रेडियस निकलते हैं, तो यहाँ से रेशियो निकाल के एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट गिवन होते हैं। कॉस थीटा की वैल्यू छोटा आर बाय बड़ा आर, बड़ा आर आ गया, इस बड़े आर को पिछले फॉर्मूले में हाइट के फॉर्मूले में पुट कर दें, आर की जगह कॉस थीटा ऊपर गया, यहाँ तक करके आना है, और ये फॉर्मूला बहुत यूज होता है न्यूमेरिकल में, हाइट का फॉर्मूला नोट करें, 2T cos θ/r ρg, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आ रहा है, यहाँ तो ये कैपिलरी एक्शन यहाँ तक करके आना है, असेंट फॉर्मूला यहाँ तक करके आना है, ठीक है यहाँ तक। अब अगला पॉइंट समझो, मान लो आपके पास एक कैपिलरी है, ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो ही गया,